शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये आपका भी तो बच्चा होगा ना। बस करो झूठ बोलना गौरी। और कितना झूठ बोलोगी तुम? कितना झूठ बोलोगी? माँ बनना क्या होता है कि तुम्हें कैसे पता होगा जब तुम माँ बनने वाली हो ही नहीं। श्रद्धा, तुम ये क्या बोल रही हो? अरे तुम कितना झूठ बोलोगी? अरे भगवान से डरो तुम। मां बनना ना एक औरत के लिए सौभाग्य की बात होती है। कोई बोझ नहीं होता है ये, मगर तुमने इस बात का भी एक भद्दा मजाक बना के रख दिया सिर्फ अपने फायदे के लिए। छी, तुमसे ज्यादा गिरी हुई लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और ये कोई झूठ और फरेब होता था तो शायद एक पल के लिए मैं तुम्हें छोड़ भी देती गौरी, मगर तुमने मेरे पूरे परिवार को एक साथ मारने की कोशिश की, उनकी जान लेने की कोशिश की, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। सर, इसे इसी वक्त यहां से लेकर जाइए। ले चलो इसको। श्रद्धा को खरोच भी आई ना तो जान से मार दूंगा तुझे मैं। नहीं, जाए तो दूर आराम से। गौरी, तुम गलत कर रही हो। देखो, कानून हाथ में मत लो, हमारे साथ चलो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं, और अगर इस बार किसी ने भी होशियारी की ना तो श्रद्धा मरेगी। गौरी, श्रद्धा को छोड़ दो। चुपचाप पीछे हट जाओ। गौरी, मान जाओ। और तुम्हारे खिलाफ हमने इसलिए कंप्लेन नहीं की क्योंकि तुमने हमारी बहुत मदद की है गुलाब। पर अब कभी हमारे घर की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तुमने तो तुम वहीं मिलोगे गौरी के पास जेल में। और इस बार तुम्हारी रिहाई कोई नहीं करवाएगा। अरे ना अभय जी ना, हमका कोई पागल कुत्ते ने ना काटा है जो इन देवियों से हम फिर से उलझे रहे। आप सभी ने हमका एक भला इंसान बनाई दिया है तो भैया हम तो चले अपने गांव
गंगा में डुबकी लगाई कि अपने सारे पाप धोने। चलते हैं। रानी का लाख लाख शुक्र है कि हमारी लक्ष्मी हमारे घर आ गई। श्रद्धा, तुम्हें पता है इस बार हमसे ज्यादा तुम्हारी सासू मां की जान सूख रही थी तुम्हारी चिंता में। दीदी, हमें माफ कर दीजिए। अपने गुस्से में आकर ना समझी में हमने अपनी सगी बहन को इतनी तकलीफ पहुंचाई। हमने सोचा ही नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। अभी तो हम आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे। अगली बहन है तू मेरी कीर्ति, बचपन से तेरी नाराजगी झेलती आई हूं और हर बार तुझे मना भी लिया, लेकिन ये बात मैं हमेशा से जानती हूं कीर्ति कि तू कभी मुझे चोट नहीं पहुंचाएगी और जब भी कोई मुसीबत आए तो उसमें मेरा साथ भी देगी। घर की सारी मुसीबतें दूर हो गई हैं और घर में इतनी अच्छी सजावट भी है और हम सब एक साथ हैं, तो क्यों ना हम सब एक साथ जश्न मनाएं? बिल्कुल, जिस तरह से हम सब ने मिलके आज इस घर में आई बला को टाला है, इसी बात पे इस त्रिपाठी निवास में त्रिपाठियों का जश्न तो बनता ही है। और वैसे भी मैं श्रद्धा के साथ नाचने का मौका तो ही ना खो सकता। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।